हो सकता है कि आपका बिजनेस बीमार है और वो आपको पता ही नहीं है। आप तो बल्ले बल्ले ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे गलत फहमी में हो सकते हैं। चलो आइए मैं इसके बारे में आज बात करूंगा कि आपका बिजनेस बीमार है, बढ़ नहीं रहा है, आपको पता ही नहीं है, और फिर उसके लिए करें क्या। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं पिछले 41 साल से बिजनेस कोच, ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। वैसे ही मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। पिछले 41 साल से अकोला में 5 हॉस्पिटल चला रहा हूँ। और मेरा बिजनेस के बारे में वीडियो आपने क्यों देखना चाहिए वो पहले बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी 5 हॉस्पिटल रन कर रहा हूँ, बड़े बड़े बिजनेसेस करता हूँ। रियल इस्टेट का बिजनेस है, स्टॉक मार्केट का बिजनेस है, फाइनेंस का बिजनेस है, रियल इस्टेट का बिजनेस भी काफ़ी बड़ा है, कंस्ट्रक्शन का है, और इसमें सब तरह मैं ग्रो हो रहा हूँ। तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, थियोरेटिकल एक्सपीरियंस है। पिछले कई सालों से मैंने करीब करीब 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया खर्चा किए होंगे अलग अलग वर्कशॉप्स अटेंड करने में, और करीब करीब 100 के ऊपर वर्कशॉप्स किए होंगे। तो आइए बात करूँगा कि आपका बिजनेस बीमार है क्या। बिजनेस में 3 एरियाज महत्व के हैं, एक है ग्रोथ, दूसरा है सर्विस और तीसरा है सपोर्ट। ये 3 एरियाज बिजनेस में मोटे मोटे तौर पर रहते हैं। ग्रोथ जो है, बिजनेस का ग्रोथ होना मतलब बिजनेस बढ़ना, ये कैसे होता है? बिजनेस का बढ़ना होता है मार्केटिंग से। मार्केटिंग से क्या होता है? मार्केटिंग जब आप करते हो तो न्यू लीड्स आती है। लोग इसमें गड़बड़ करते हैं, ब्रांडिंग और मार्केटिंग। ब्रांडिंग से क्या होता है? ब्रांडिंग से आपका नाम होता है, मतलब आपके एरिया में जो भी आप सर्विस दे रहे हो वो एरिया में यदि कोई किसी को जरूरत पड़ी तो आपका नाम पहले आना चाहिए। ठंडा मतलब कोका कोला, टूथपेस्ट मतलब कोलगेट, और हमारे एरिया में जैसा मानसिक किसको बीमारी होती है डॉक्टर केळकर के तरफ चले जाओ, केळकर हॉस्पिटल जाओ, मतलब ब्रांडिंग है, ब्रांड तैयार हुआ है। तो ब्रांडिंग अलग है जिससे नाम होता है। मैं बात कर रहा हूँ मार्केटिंग की, जहाँ से लीड्स आती है, मतलब इंक्वायरी आपके तरफ चल के आती है, तो वो है मार्केटिंग, उससे ग्रोथ होता है। फिर सेल्स, सेल्स में क्या होता है? सेल्स में जो लीड्स आई हुई है, जो इंक्वायरीज आई हुई है, उसको एक्चुअली माल बेचना, मतलब 100 इंक्वायरी आई तो 30 लोग आपका माल खरीद रहे हैं, तो सेल कन्वर्शन 100 में से 30 हो गया है। तो न्यू प्रोडक्ट और सर्विस और R&D जब करते हैं तब सेल्स बढ़ते रहता है। तो ये है सेल्स। स्पीडोमीटर की जो सुई है, समझो आप कार चला रहे हैं और स्पीडोमीटर की सुई ऐसी घूम रही है, तो पूरी स्पीड जो बिजनेस को आती है, तो देखो 80, 90, 100 तक जो है वो स्पीड घूम रही है, वो सुई घूम रही है, और वो ग्रोथ, ये जो एरिया है वहाँ से आपका बिजनेस बड़ा हो रहा है। कौन सा ग्रोथ का एरिया? मार्केटिंग और सेल्स, ये एरिया से बिजनेस बढ़ता है। तो समझो ऐसी पूरी स्पीडोमीटर की सुई है, तो ऐसी पूरी यहाँ तक जा रही है, तो वो जो है वो बिजनेस में ग्रोथ जो हो रहा है वो मार्केटिंग और सेल्स से हो रहा है। आप मैन्युफैक्चरर होंगे तभी मार्केटिंग जरूरी है, क्योंकि न्यू कस्टमर लाना। आप प्रोफेशनल है तभी भी न्यू कस्टमर लाना जरूरी है। आप होलसेलर है तभी भी, और रिटेलर है तभी भी, आपको न्यू कस्टमर्स आपके वहाँ आना चाहिए, और न्यू कस्टमर्स आते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ते रहता है। तो ये हो गया ग्रोथ का प्रमुख कारण कि भाई मार्केटिंग एंड सेल्स से ग्रोथ होता है। नंबर 2 जो बिजनेस का एरिया है वह है सर्विस। सर्विस में क्या होता है? सर्विस में जो आपने प्रॉमिस दिया है वो प्रॉमिस आप फुलफिल करते हो, मतलब अच्छी एक सर्विस देते हैं, गुड सर्विस। हम जो होटल इंडस्ट्री है, अच्छी सर्विस आप दे रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं, तो बहुत बढ़िया सर्विस है वहाँ। बटन दबाए, बेल दबाए कि लोग आते हैं, जो चाहो वो पाओगे, जो मांगाओ मिल जाता है। बहुत ही सर्विस है, अच्छे लोग है, बहुत ही मृदु है, सॉफ्ट स्पोकन है सभी। मतलब सर्विस में आती है डिलीवरी, फटाफट डिलीवरी, मतलब माल तैयार करना, फटाफट डिलीवरी दे देना, राइट टाइम पे डिलीवरी देना। पैकेजिंग बहुत ही आकर्षक पैकेजिंग है, क्वालिटी ऑफ गुड्स, समझो होटल है तो बहुत ही टेस्टी फूड है, तो सर्विस है, तो उससे आपका धंधा बढ़ता है। मगर सर्विस से बहुत ज़्यादा धंधा बढ़ता नहीं है, क्योंकि सर्विस से आपको मिलता है रेफरल्स, रिपीट सेल्स, ये सर्विस से मिलता है। तीसरा जो एरिया है जहाँ से बिजनेस नहीं बढ़ता, मगर वो एरिया है महत्व का बिजनेस का, जो पर्दे के पीछे है,
वो है सपोर्ट। और सपोर्ट में होता है फाइनेंस, बिलिंग, अकाउंटिंग, ये होता है। ये एक्चुअली बिजनेस में बढ़ाने में कंट्रीब्यूट नहीं करता है सपोर्ट का एरिया। तो ये तीन एरिया हो गए, ग्रोथ हो गया, सर्विस हो गया और सपोर्ट हो गया, तीन एरियाज बिजनेस के हैं। अब जो ग्रोथ, और आप देखो पांच जो अलग अलग एरिया है ना, मतलब पांच आइटम्स में आपको बताता हूँ जहाँ से बिजनेस बढ़ सकता है। बिजनेस में कोई भी बिजनेस में बढ़ सकता है बिजनेस। नंबर एक ग्रोथ, जिसमें नंबर एक आएगा लीड्स बढ़ाना, नंबर दो सेल्स कन्वर्शन कि सेल कितना बेचते हो, जितने लीड्स आए उसको कितने लोगों को आप बेचते हो, नंबर तीन एवरेज सेल्स इंक्रीज। एवरेज सेल्स इंक्रीज से भी ग्रोथ होता है, मतलब एक कस्टमर आपके यहाँ 1,000 रुपये का माल ले रहा है और आपके पास में ऐसे 100 कस्टमर आ रहे हैं, और दूसरा एक सिनेरियो है कि एक कस्टमर आपसे 1,500 रुपये का माल ले रहा है और आपके पास में 100 कस्टमर आ रहे हैं। नेचुरली एवरेज सेल्स इंक्रीज हो गया तो डेफिनेटली ग्रोथ होगा। तो ये तीन आइटम है ग्रोथ के, लीड्स, सेल्स कन्वर्शन और एवरेज सेल्स इंक्रीज। फिर चौथा जो है जो सेल का पार्ट है, मतलब सेल्स होता है और सेल्स से रिलेटेड है, वो है इंक्रीज रिपीट सेल्स। इंक्रीज रिपीट सेल्स ये चौथा पार्ट है। और पांचवा है इंक्रीज रेफरल्स। अब देखो इंक्रीज रिपीट सेल्स और इंक्रीज रेफरल्स, और रेफरल मतलब माउथ टू माउथ, एक कस्टमर आपके यहाँ से खुश होके गया वो और लोगों को बोलता है और लोग आते हैं, फिर वो भी खुश होते हैं वो चले जाते हैं, फिर और लोग आते हैं, मतलब ये क्या हो गया, रेफरल हो गया। तो रेफरल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहने से बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं बढ़ता है, माउथ टू माउथ बिजनेस बढ़ता है, 10-12-15 रख के बढ़ेगा। तो इंक्रीज रिपीट सेल्स मतलब वही कस्टमर बार बार आ रहा है तो वहाँ से भी सेल बढ़ेगा, क्योंकि जब रिपीट जो कस्टमर बार बार आता है उसके लिए आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, एक बार उसने अनुभव लिया दूसरे बार वो खुद चल के आता है, तब आपको वहाँ किसी को आपको कमीशन देना नहीं पड़ता है, रेफरिंग चार्जेस देना नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं। तो ये पांच जो आइटम्स है जिससे बिजनेस बढ़ता है, तीन उसमें के है, वो है पहले तीन लीड्स, सेल्स कन्वर्शन, एवरेज सेल्स इंक्रीज, चौथा इंक्रीज रिपीट सेल्स और इंक्रीज रेफरल्स। तो ये जो है पांच अंग है, ये पांच आइटम्स है जिससे बिजनेस बढ़ जाता है वो हमने देखे। यदि आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है तो उसके तीन लक्षण, ये जो तीन लक्षण है तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, मतलब बीमार है। देखो बिजनेस है तो ग्रो होना चाहिए, ग्रोथ नहीं है तो इसका मतलब बिजनेस नीचे नीचे चले जाएगा। ऐसा बोला जाता है कि इफ़ यू डोंट ग्रो यू विल पेरिश, आपको बढ़ना पड़ेगा नहीं तो आप कम हो जाओगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते हाँ हमारा ठीक चल रहा है, हम जैसे कि वैसी है, जैसे कि वैसे आप रहेंगे बिजनेस बढ़ाएंगे नहीं तो आप देखेंगे धीरे 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 आपका ग्राफ नीचे 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 आ जाएगा रेवेन्यू का, प्रॉफिट का। तो आपको बिजनेस ग्रो हो रहा कि नहीं हो रहा कैसे मालूम पड़ेगा, आप यदि मंथ वाइज देखते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है। नंबर एक, बिजनेस में नए कस्टमर नहीं आ रहे, न्यू लीड्स नहीं आ रही, नए कस्टमर नहीं आ रहे, बहुत महत्व का पहला कारण। नंबर दो, सेल्स टीम जो है वो सेल नहीं कर रही है, मतलब लोग तो आ रहे हैं, लीड है, मगर सेल्स टीम माल नहीं बेच पा रही, इसलिए फिर ग्रोथ नहीं हो रहा है। नंबर तीन, आपके पास में मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, और मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है तो मालूम ही नहीं कि क्या हो रहा है। हाँ बोले अच्छे चल रहा है, अच्छे चल रहा है, अच्छे चल रहा है, मगर बैंक की सीसी लिमिट है, उसमें से पैसा उठा रहा है, और उसमें से पैसा उठा उठा के लोन बढ़ते जा रहा है, बोले बिजनेस चल रहा है, कहाँ चल रहा है, वो तो कैपिटल खा रहा है। तो ये सब कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो बिजनेसमैन मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहा है कि भाई मेरा बिजनेस है कहाँ, वो नहीं हो रहा है। सारा दिन बिजनेसमैन लगा हुआ है सर्विसेज के ऊपर, और सर्विसेज के ऊपर लगा हुआ है बिल्कुल, ये करो वो करो, ये आया कि नहीं, वो गया कि नहीं, माल आया कि नहीं, माल अच्छा बन रहा कि नहीं, पैकेजिंग हो रहा कि नहीं, अरे टेलीफोन बिल भरा कि नहीं, सब उसमें ऑपरेशंस में है, दिन भर फोन पे लगा है, छुट्टी नहीं ले सकता, इंडिपेंडेंटली लोग काम नहीं कर पा रहे, इसका मतलब उसको वहाँ मौजूद रहना पड़ता है, और जब तक वहाँ मौजूद है तब तक ही धंधा चल रहा है, और वो पूरा समय अपना ऑपरेशंस में दे रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सर्विसेज जो है, सर्विस पार्ट जो है बिजनेस का, वो हेल्दी नहीं है। सपोर्ट, सपोर्ट में बराबर नहीं हो रहा है,
कि भाई उधारी बहुत हो रही है, सैलरी टाइम पे नहीं हो रही है। लोग बोल रहे हैं सैलरी नहीं हो रही है, आधा महीना हो गया, आधी सैलरी होगी सिर्फ, पूरी सैलरी होनी चाहिए अभी तक। तो सब ये जब है कि ग्रोथ नहीं हो रहा है, हमने देखे लक्षण, तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या है? तो उसका सॉल्यूशन है कि आपको फोकस्ड काम करना पड़ेगा और आपको टाइम का फ्रीडम होना, टाइम का फ्रीडम होना जरूरी है। फोकस काम और टाइम का फ्रीडम तभी मिल सकता है जब आप सर्विस और सपोर्ट से बाहर आ जाओगे। देखो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस कहाँ से बढ़ता है? बिजनेस बढ़ता है कि आप मार्केटिंग करो, लीड्स लाओ, नए कस्टमर्स लाओ। अच्छा, नए कस्टमर्स आ गए, माल बेचो, सेल्स करो, और जो आ रहे कस्टमर्स उसका एवरेज सेल्स बढ़ाओ, यहीं से बिजनेस बढ़ेगा ना। सर्विस में और सपोर्ट में काम करके बिजनेस बढ़ता नहीं है। और सर्विस में मतलब माल की क्वालिटी, माल का पैकेजिंग, प्रोडक्टिविटी कैसी चल रही है, प्रोडक्शन कैसा चल रहा है ना, टाइम वहाँ खड़े रहना पड़ता है, लोग टाइम पास करते हैं, आउटपुट नहीं देते हैं, तो पूरा बिजनेसमैन का टाइम जा रहा है सर्विस और सपोर्ट में। तो बिजनेस बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? बिजनेस बढ़ाना है तो रूट पर काम करना पड़ेगा। देखो मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास में सर दर्द लेके समझो कोई आता है, तो भी सर दर्द आता है लेकर कोई कहाँ कब से हो रहा है भाई सर दर्द? 2 महीने से हो रहा है। अच्छा ठीक है, ऐसा करो ये टैबलेट ले लो, पैरासीटामोल की गोली है, सर दर्द ठीक हो जाएगा। वो लेके जाएगा और 2 दिन बाद में बोलेंगे हाँ सर दर्द थोड़ा ठीक हो गया, ठीक हो गया। 3-4 दिन के बाद में हाँ पूरा ठीक हो गया, मगर 2 दिन हो गए दवाई बंद कर दी, फिर सर दर्द चालू हो गया। इसका मतलब क्या है कि मैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, रूट कॉज में नहीं जा रहा हूँ कि भाई सर दर्द हो क्यों रहा है, ब्रेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो रूट पर काम करना पड़ेगा, और रूट पर काम करना इसका मतलब ऑपरेशंस में घुसने का नहीं, सपोर्ट में घुसने का नहीं, वो एरिया बिल्कुल बंद एक बिजनेसमैन के लिए। सिस्टम्स लगाना, और सिस्टम यदि आप लगाते हो तो क्या होगा? सिस्टम लगाएंगे तो आदमी काम करेंगे। बिजनेसमैन को ये स्किल नहीं कि काम कैसे करवा के लेना, बोलता है कि क्या है काम करते नहीं लोग, लोग अच्छे मिलते ही नहीं है। तो फिर बिजनेसमैन का टाइम यदि ऑपरेशंस, सर्विस और सपोर्ट यहाँ गया, खड़ा है वहाँ गल्ले पे बैठा है, खड़ा है देख रहा है कि क्या हो रहा है, माल आया कि नहीं, माल गया कि नहीं, अरे वो पैकेजिंग हुआ कि नहीं हुआ, अरे वो उसका बिल दिया कि नहीं दिया, अरे वो चेक लगाया कि नहीं लगाया, अरे वो बाउंस हो जाएगा, अरे फलाना ढमाका, दिन भर वहीं खड़ा है और वहाँ खड़े रह के बिल्कुल डिसीजन ले रहा है, और सब डिसीजन बोल बोल के उनको मार मार के उनके पास से काम करवा के ले रहा है। इसका मतलब उसको टाइम फ्रीडम बिल्कुल ही नहीं है, और ये होने का कारण है कि सिस्टम नहीं है। जब सिस्टम होती है तो डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, डिसीजन सिस्टम में है क्या डिसीजन लेना, और फिर मालिक की वहाँ ज़रूरत होती नहीं है। तो बिजनेसमैन के पास में स्किल सेट नहीं है सिस्टम बनाने का। सिस्टम बन गए तो आपको ऑपरेशन में घुसना ही नहीं पड़ेगा, सर्विस में घुसना पड़ेगा ही नहीं। यदि बिजनेसमैन को फ्री होना है या उसको ग्रोथ चाहिए तो आपको ये देखना पड़ेगा DSP। DSP है क्या? DSP मतलब डेटा पे कंट्रोल है क्या, डेटा वेल मेंटेन है क्या? नंबर 2 पीपल मैनेजमेंट सही है क्या, लीडरशिप तैयार हो रही है क्या? और नंबर 3 सिस्टम है क्या? और इम्पोर्टेंस यदि हम देखते हैं तो उल्टा, नंबर 1 सिस्टम्स है क्या, नंबर 2 पीपल मैनेजमेंट ठीक है क्या, पीपल स्किल्स, नंबर 3 डेटा मैनेज कर रहे क्या। बिजनेसमैन ट्रेन नहीं है काहे में, सिस्टम बनाने में, उसके पास में स्किल सेट नहीं है सिस्टम बनाने में। हाँ उसको मालूम है बिजनेस कैसे करना क्योंकि उसके बाप ने किया था, या उसको मालूम बिजनेस कैसे करना क्योंकि वो कहीं सर्विस कर रहा था वहाँ से सीखा, अभी बिजनेस चालू कर दिया। जो बिजनेसमैन है वो सुपरमैन जैसा वहाँ काम करता है सवेरे से रात तक, और हमारे कल्चर में भी ऐसे ही है कि हाँ कितना बिजी है, देखो सुबह से रात तक काम करता है, बहुत हार्डवर्क करता है, क्या बिजी है क्या बिजी है। तो बिजी मतलब गुड हमारे कल्चर में है। देखो सुबह 7 बजे जाते, रात को 11 बजे आते हैं, टाइम भी नहीं है, खाना खाने को टाइम नहीं है, डब्बा लेके जाते हैं। तो बिजनेसमैन सुपरमैन जैसा काम करता है और फिर बिजनेस ग्रो नहीं होता है। असली काम बिजनेसमैन का है ग्रोथ करना, और ग्रोथ करने के लिए चाहिए उसको टाइम। टाइम तब मिल सकता है जब उसको फ्रीडम है ऑपरेशन से। देखो सिस्टम है तो एक 10वीं फेल भी लड़का डोमिनोज पिज़्ज़ा में काम कर रहा है, जो अमेरिका में पिज़्ज़ा बनता है वही पिज़्ज़ा अकोला में बनता है, सेम। क्यों? क्योंकि उनके पास में सिस्टम है।
पिज़्ज़ा कैसे बनाना उसका एकदम क्लियर मैनुअल उनके पास में है, उनको ट्रेन किया जाता है बार 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 बार, और फिर वही पिज़्ज़ा बनाते हैं जो अमेरिका में बनाता है, वही अकोला में बनता है। यदि मैनुअल नहीं रहा तो वहाँ अलग टेस्ट है, यहाँ अलग टेस्ट है। फिर हम बोलते हैं कि अच्छे आदमी नहीं मिलते। अच्छे आदमी क्यों नहीं मिलते? जो आदमी है उनको ही अच्छा करना पड़ता है, और जो आदमी उनको कैसे अच्छा करेंगे? सिस्टम आपके पास में है तो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आपके पास में है तो। यदि आपके पास में SOP है तो 10वीं फेल आदमी भी, जिसको कम अकल है, वो भी आदमी आपके पास में काम कर सकेगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट एक्सपीरियंस आदमी की ज़रूरत नहीं है। लोग बोलते मेरी कंपनी छोटी है, मुझे क्या ज़रूरत है सिस्टम की, SOPs की क्या ज़रूरत है? जब तक आपके पास में सिस्टम नहीं है, SOPs नहीं, तब तक आपको टाइम फ्रेम नहीं मिलेगा, और टाइम फ्रेम नहीं मिलेगा तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। देखो, आपके पास में टाइम नहीं है इसलिए आप ग्रो नहीं कर रहे, टाइम नहीं है क्योंकि सिस्टम नहीं है। लोग बोलते हैं सिस्टम के लिए इतने आदमी लाना पड़ेगा, तो आदमी आपके पास में नहीं है करके आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, और बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है करके आपके पास में आदमी को रखते नहीं हो। तो फिर यदि आपको कंपनी बढ़ाना है तो पैसा नहीं रहने के बावजूद भी आपको आदमियों को रखना पड़ेगा, सिस्टम बनानी पड़ेगी। सिस्टम से आपको टाइम फ्रेम मिलेगा, और टाइम फ्रेम मिलता है तो फिर आप ग्रोथ पर काम कर सकोगे। लोगों को मैनेज करना बहुत बड़ा स्किल है, पीपल स्किल, पीपल मैनेजमेंट स्किल। लोग बोलते हैं कि लोग निकल जाते हैं, लोग ऐसे भी बोलते हैं कि नहीं, हम लोगों को ट्रेन करेंगे, ट्रेन करने के बाद में वही हमारे सामने कॉम्पिटिटर करके खड़ा हो जाता है और दुकान डालता है। देखो, इतना बड़ा महासमुंदर है हमारा देश, 140 करोड़ की आबादी है, एक और ऐड हो गया तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो नहीं ऐड होगा, आपके यहाँ का आदमी जो ट्रेन हुआ वो नहीं ऐड होगा तो और कोई आदमी ट्रेन हो जाएगा और वो ऐड हो जाएगा। समझो, आपके यहाँ का एक आधा टेक्नीशियन ट्रेन हो गया और उसने एक नया बिजनेस आपके सामने ही डाल दिया और आपका कॉम्पिटिटर बन गया। मगर याद रखो, समझ लो कि वो जो टेक्नीशियन है जिसको ऐसा लगता है कि मेरे भरोसे ये बिजनेस बढ़ गया है, जैसे कहा था कुत्ता है ना बैलगाड़ी के नीचे चलता है, उसको लगता है कि मैं चल रहा हूँ करके ये बैलगाड़ी चल रही है, तो टेक्नीशियन को जो लगता है कि मेरी वजह से धंधा बढ़ रहा है, वो जब अलग हो जाता है, खुद का डालता है, धंधा बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में ना पैसा है, ना उसके पास में स्किल्स है जो आपने अभी सीखे हैं, तो उसके पास में पैसे नहीं है, उसको क्या मालूम। तो अकल नहीं उसके पास में और पैसा भी नहीं है जो आपके पास में है, तो वो नहीं कर पाएगा। डरो मत, पर एक आधा हुआ ही भी तभी क्या प्रॉब्लम है। यदि आपके पास में SOP नहीं है, आपके बिना धंधा चलता नहीं है, इसका मतलब आप जेल में बंद हो, आपके बिजनेस में आप बंद है, और यू कैनॉट ग्रो योर बिजनेस इफ़ यू आर इन द बिजनेस, आप नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं कि मेरे को वहाँ इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि लोग टाइम पे नहीं आते। अच्छा बताओ कि आपके पास में जो लोग आ रहे हैं वो टाइम पे नहीं आते हैं, वो नॉनसेंस करते हैं, आप निकाल क्यों देते उनको? निकाल क्यों देते नहीं हो? इसलिए कि लगता है बिजनेसमैन को कि मैं इसको निकाल दूंगा, ये ट्रेन आदमी है, आज 5-6 साल से मेरे पास में है, मैं निकाल दूंगा तो मेरा काम तो कल अटक जाएगा, मेरे पास में दूसरे लोग नहीं है, फिर नया आदमी है तो उसको ट्रेन करना पड़ेगा, मेरा लॉस हो जाएगा। इसलिए जो चल रहा है वो चलने दो, नॉनसेंस टॉलरेट आप करते हो। बिजनेसमैन निकाल देते नहीं, वो लेट आ रहा है, झूठ बोल रहा है, एक आध बार उसने पैसा भी उड़ा लिया होगा, और तभी भी आप उसको टॉलरेट करते हैं क्योंकि आपके पास में दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। अल्टरनेटिव नहीं है क्योंकि आपके पास में सिस्टम नहीं कि आप फटाफट लोगों को ट्रेन कर सकें। सब नॉनसेंस टॉलरेट हो रहा है। फिर अच्छे आदमी भी आते हैं ना, तो पुराने आदमियों को देख देख के वो भी पुराने जैसे ही बन जाते हैं और प्रॉब्लम होता है। तो आपको मैनेज करना होगा लोगों को भी, और वो सिस्टम से ही होगा। नंबर 3 जो है महत्व का, जो है डेटा, बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा है। डेटा यदि आपके पास में है तो आपको मालूम पड़ेगा नए कस्टमर कितने, कन्वर्ट कितने हो रहे, सेल्स कितना है, रेवेन्यू कितना आ रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, ऑब्जेक्शंस कौन से आ रहे हैं, ऑब्जेक्शन की वजह से धंधा क्यों नहीं बढ़ रहा है। सब डेटा आपके पास में होना जरूरी है, और डेटा जिसके पास में वो राजा है, डेटा इज द किंग ऐसा बोला जाता है। डेटा पेट्रोल से भी महंगा होगा। डेटा आपके पास में तो आपका बिजनेस बहुत चलेगा। आज जोमेटो के पास में इतना बड़ा डेटा है, कंपनी तो अभी अभी प्रॉफिट में आई, प्रॉफिट में आने के पहले उसके भाव बढ़ गए। क्यों? क्योंकि उनके पास में इतना बड़ा डेटा है, कस्टमर डेटा, बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, उसके वजह से लोगों को लगता है कि डेटा इनके पास में है तो कंपनी आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और इसके वजह से लोग ज़्यादा भाव में शेयर लेने को तैयार रहते हैं। डेटा बहुत महत्व का है।
तो आप डेटा भी रखते हो, पीपल स्किल्स है, मतलब डी डेटा, एस मतलब सिस्टम, और पी मतलब पीपल स्किल, DSP यदि आपके पास में है तो डेफिनेटली आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा और आप आपका मैक्सिमम टाइम ग्रोथ में बिताओगे। ग्रोथ में आपने बिताना चालू कर दिया तो आपका बिजनेस जूम बढ़ जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, आप हमारे तरफ से ये लोगों को अनवे कर सकते हैं कि भाई सिस्टम बना के देख सकते हैं, सिस्टम के लिए हम आपको कोचिंग कर सकते हैं, सिस्टम के लिए मैं यदि आपको कोचिंग करता हूँ, आप आपका सिस्टम बनाते हो और आपका कोई भी बिजनेस हो, आपका बिजनेस चार्टर्ड अकाउंटेंट का रहे, प्रोफेशन रहे, होलसेलर रहे, ट्रेडर रहे, मैन्युफैक्चरर रहे, कुछ भी रहे, आपके पास में हम सिस्टम डाल के दे सकते हैं। मैन पावर कैसी हैंडल करना वो हम आपको सिखा सकते हैं ताकि आप फ्री हो जाएंगे आपके बिजनेस से और आपका ग्रोथ फटाफट होता शुरू हो जाएगा। आपको अच्छा लगा वीडियो तो जो लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।